हाँ, अंगूठा छाप। हाँ। ज्ञान का स्वागत, सुबह का स्वागत, ज्ञान का स्वागत, सुबह का स्वागत, ज्ञान का स्वागत, सुबह का स्वागत, ज्ञान का स्वागत, सुबह का स्वागत। आज हमारी गोष्ठी में है कल का सूरज अपना, झुक जाएंगे सच कर देंगे खुली आँख का सपना। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मास्टर जी। आज छमाई इम्तिहान के नंबर मिलेंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मास्टर जी। क्या है विट्ठल? मास्टर जी। हाँ। अभी क्लास शुरू भी नहीं हो, तुम्हें भागना है? वैसे तुम पास हो गए हो, बैठ जाओ। सुनो सुरेश जनार्दन तालुकदार, पहला नंबर। सुरेश। शाबाश सुरेश, शाबाश, बैठो। मैदान आ गया। दूसरे नंबर पर है चिकलू महादेव शैलार। चिकलू? वाह चिकलू, पांचवे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए, अच्छी छलांग लगाई। ऐसे ही मेहनत करो। हैं? गुणवंती मारुति पाटिल तीसरा नंबर, शाबाश। अमिताभ भोंसले चौथा नंबर। बहू, ताता को कितनी पत्तलें चाहिए थी? 25 दादाजी। 25। अरे क्या बात है, आज तुम लोग स्कूल से भाग आए हो? आज नतीजा था इसलिए मैं जल्दी छोड़ दिया। चिकलू तुम पास हो गए ना? हाँ दादाजी। पास? दादाजी चिकलू दूसरे नंबर पे आया है। अरे वाह रे मेरे शेर, बहू शाम को इसकी नजर उतारना। जी। क्यों रे विट्ठल, ओ तुम्हारा तो पहला नंबर आया होगा। वैसे मैं पास। अच्छा। हो गया। सुरेश तालुकदार पहले नंबर पर आया है। अच्छा। उसका चाचा हेडमास्टर है ना? सही बात। ठहरो, मुंह तो मीठा कर लो। चिकलू जा अंदर से डिब्बा ले आ, मेरे हाथ गंदे हैं। अच्छा माँ। ठहरो मैं ही लाता हूँ।
लो 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 तुम लो, अपने हाथ से लो। दादाजी पुंडीबा प्रसाद पीछे बांटना, पहले पैसे गिन लो, मनी ऑर्डर भेजा है तुम्हारे बेटे ने। ये लो। लो 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 गिन लो। अभी लगा अंगूठा। बस हाँ, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। क्या बात है, बड़े खिखी कर रहे हो, यहाँ कोई नंगा ना छोड़ रहा है? क्या बात है, क्या बात है, क्यों रे विट्ठल? मैं नहीं तो कहाँ? अच्छा ऊपर से झूठ बोल रहे हो हैं? दादाजी ये आपको अंगूठा छाप कह रहा था। बदमाश बच्चे हैं? सारे बताशे चढ़ कर दिए, चलो भागो यहाँ से, भागो। ए चलो यार चलो। ए अमिताभ मिठाई चलो ना। ए चलो चलो मार पड़ेगी। ए मेरे लिए रुको ना, जल्दी आओ। और तुम दूसरा नंबर आ गया तो क्या तीस मार खा बन गया हैं? पहला नंबर क्यों नहीं आया है? और तुम अभी तक क्यों बैठे हो? दादाजी तुरई आज तुरई नहीं मिलेगी। तुरई मेरे दामाद लगते हो, तुरई किस खुशी में चाहिए तुम्हें? किस खुशी में है? यू समझो कि मनी ऑर्डर की खुशी में है क्या कोंडीबा? देते हो ना हर महीने कुछ न कुछ। वैसे तुरई के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा तुरई के पकोड़े अच्छे बनते हैं, क्यों नहीं? चाचा का माल जो है, और यहाँ कोई लूट मची है? मनी ऑर्डर के अपने जेब में से देते हो? मेरा बेटा बम्बे में खून पसीना एक करके पैसा बेचता है। अच्छा बाबा जाता हूँ। राम राम महादेव। राम राम पोस्टमैन भैया, क्या खबर? तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, अच्छी खबर देने का। क्या दोगे? एक बीड़ी पिलाऊंगा। तो पिलाओ, मैं अभी अभी दादाजी को मनी ऑर्डर के 200 रुपए दे के आ रहा हूँ। वो तो हर महीने देते हो, कोई नई बात हो तो सुनाओ। तो सुनो, तुम्हारे बेटे का रिजल्ट निकला है, उसका दूसरा नंबर आया है। सच? ये जरूर नई बात है। तो निकाल बीड़ी। आज घर पे मोतीचूर के लड्डू ले जाऊंगा, चिकलू को बहुत ही पसंद है। और एकाध लड्डू अपने दादाजी को भी खिला देना, आज बहुत चिड़चिड़ा रहे थे। लो। ले। आहिस्ता पियो, आहिस्ता। दादाजी मुझे बगड़म बाबा की कहानी सुनाओ ना। नहीं अभी नहीं। इतना दूध पिलाया फिर भी पतीली में मुंह डालती है ससुरी, चल चोटी कहीं की, चल। हाँ दादाजी आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बड़े मजे की है। चिखलू सुन, तू मेरा एक काम करेगा? क्या दादाजी? देख मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, सोचता हूँ कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख लूं। कोंडीबा दशरथ शेलार, बस अब अंगूठा नहीं लगाऊंगा। पर आप सीखेंगे कैसे? तुम सिखाओगे, तुम मेरे मास्टर जी बनोगे। बस एक महीने के अंदर अंदर मुझे अपना नाम लिखना आना चाहिए, क्यों क्या ख्याल है? एक महीने के अंदर? दादाजी ये तो आप पर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं।
मैं बहुत मेहनत करूंगा, डट कर। मंजूर है? हाँ मंजूर है। ए माँ सुनो तो, अभी किसी को नहीं बताएंगे। हाँ हमारी पढ़ाई चोरी चोरी चलेगी। लेकिन क्यों दादाजी, ये कोई बुरा काम तो नहीं जो चोरी चोरी करेंगे? बेटे काम तो अच्छा है, मगर इस उम्र में मैं पढ़ाई शुरू करूं तो लोग कहेंगे बुड्ढा सठिया गया, और फिर पता नहीं कि आप सीख भी पाएंगे कि नहीं। इसीलिए कहता हूँ वक्त आने पर सबको डंके की चोट पर बताएंगे। चिकलू लो भाई, मुंह मीठा करो सब लोग, लड्डू मोतीचूर। लो दादाजी। सुना है अपना लाडला बड़ी तरक्की कर रहा है दादाजी। अभी नहीं अभी नहीं, अभी पान दबाया है। लड्डू कैसा है मास्टर जी? दादाजी हम पहले कायदे से अक्षरावली सीखेंगे, इसमें कुल मिलाकर 37 अक्षर हैं। वो सीख गए तो समझो पढ़ना लिखना आ गया। अच्छा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त ठ ड ढ ण त थ द ल। बस कर ये बकवास बंद कर, मुझे अपना नाम लिखना सिखा दो, मेरे लिए वो ही बहुत है। ओह दादाजी बिना सोचे समझे नाम लिखने का क्या फायदा? बिना बीज बोए अच्छी फसल कैसी मिलेगी? लो तू तो पंडितों जैसे बात करने लगा। अच्छा बाबा अच्छा, कहाँ बैठे? चलो यहाँ बैठो। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत श्री से होती है। ये रहा श्री, अब आप ऊपर से लिखिए, ऐसे नहीं ऐसे। बाबा चांदनी गांव यहाँ से कितना दूर है? बस पास ही है, 6 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। ये जो सड़क है ना, इसी सड़क से सीधे जाओ, बड़ के पास हनुमान मंदिर है, फिर वहां से बाएं मुड़ो, छोटा पुल लगेगा, पुल के बाद बाएं मुड़ो और फिर चलते जाओ पहुंच जाओगे। किसके घर जा रहे हो? श्रीधर पाटिल के घर लड़का हुआ है, उसके समधी रहते हैं चांदनी गांव में, उन्हीं के घर हमें जाना है। अच्छा अच्छा चलो। पोते को पढ़ा रहे हो बाबा? हाँ हाँ। लो भाई चिकलू लिख लिया, देख लो। क ख ग ख। ओह दादाजी ये ख नहीं है, आपने र वो बना दिया, इन्हें पास पास लिखिए तभी बनेगा ख। चलिए दोबारा लिखिए। दोबारा लिखूं? सिर्फ ख ही ना? नहीं पूरा। ये क्या है? पो। और ये? फो। और ये? वो। ब। और ये? भो। 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 और ये? बताता हूँ क्या है। म, ये म है। हाँ दादाजी ये होशियारी नहीं चलेगी। ए तुम मत बताना। मास्टर जी लगता है मुझसे तो पहले बकरियां सीख जाएंगी। घोरो घोरो नो मानो नो मानो पोतो झोड़ो पोतो झोड़ो झोड़ो। मास्टर जी
देखिए। हाँ, दिखाइए। बहुत अच्छे, कल से हम मात्रा सीखना शुरू करेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था? विठल रामदास शोगन, किसने कहा था? झांसी की रानी। अरे अकल के दुश्मन, तुम नहीं सुधरोगे। कौन बताएगा? अमिताभ तुम बताओ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। शाबाश, बैठ जाओ, अब ध्यान में रखना। लेकिन मास्टर जी, झांसी की रानी ने भी तो कुछ कहा था। हाँ, कहा था। क्या कहा था? कौन बताएगा? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ। मास्टर जी, मास्टर जी, आपसे कोई मिलने आए हैं। बोलो, क्लास के बाद मिलूंगा। कहते हैं बहुत जरूरी काम है। ओहो, अच्छा चलो। बच्चों, दो मिनट शांति से बैठो। हाँ मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। पिलिया, इधर आओ। इधर आओ, तुम ये पाठ पढ़ के सुनाओ। अच्छा? हाँ मास्टर जी। शाबाश। माँ का नाम है अहंकार। अहंकार बहुत पुरानी बात है। अच्छा? किसी गांव में एक मेहनत और सीधा साधा और गरीब जुड़ाहा रहता था। वो बुरा था। बचपन में ही चरखा चलाना, देवी लुप्त हो गई। जुलाहे की नींद टूटी तो पाया कि वो अपनी झोपड़ी के अंधकार में पुआल पर लेटा हुआ था। वो अपने कार्य में दक्ष हो गई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, इस गांव में तो इतने सुंदर कपड़ों का कोई भी खरीदार नहीं है, सभी सस्ते कपड़े चाहते हैं। आप इन कपड़ों को लेकर आज के दिन नगर चले जाएं, वहां बड़े बड़े ग्राहक आते हैं। नमस्ते, कहिए। मैं रामदास शिवगण, आपकी क्लास में विठल शिवगण है ना? हाँ है। मैं उसका बाप, वो मेरा बेटा है। बड़ी खुशी की बात है, क्या यही बताने के लिए आपने मुझे क्लास से बुलवाया है? अरे नहीं मास्टर जी, आपके लिए अपने खेत का एक कद्दू लाया हूँ। रख दो गुरु जी के चरणों में। शिवगण जी, मास्टर जी विठल का तरह ख्याल रखना, अल्लाह है। देखिए शिवगण जी, मैं यूं ही क्लास के हर बच्चे का ख्याल रखता हूँ, उसके लिए ये कद्दू वद्दू लाने की जरूरत नहीं है, आप उसे वापस ले जाइए। अरे नहीं मास्टर साहब, इतना बोझ उठा के लाया हूँ वो वापस ले जाने के लिए। देखो मास्टर जी, आपको दे दिया है, आप जो जी चाहे कीजिए। जयराम जी की। शिवगण जी देखो। जी मास्टर जी। ये कद्दू तुम सब चपरासियों में बांट दो, सबको ठीक से देना। अच्छा? हाँ, अच्छा मास्टर जी। सबको ठीक से दूंगा। कार्य में दक्ष हो गई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, गांव के गवार बुलाने के लिए शहर वाले नहीं पहुंचे। सबको लगा कि वो पागल हो गया है। मास्टर जी, मैं नहीं। तुम्हारा बाप भी बस कद्दू ही पैदा करता है। चलो कोने में खड़े हो जाओ। चलो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुनते हैं उमरगांव में इस बार बड़ी धूम से मर्यादा देवी का उत्सव मना रहे हैं। अरे अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं उमरगांव में। हाँ, तुम सब चलोगे ना? हाँ, दर्शन करने? अरे क्यों नहीं। अरे आप सब लोग चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। हाँ। वो देखो कुंडीबा आया। कुंडीबा कुंडीबा। हाँ भाई, राम राम। बैठो कुंडीबा। आजकल कहाँ रहते हो कुंडीबा? काम करता रहता हूँ भाई, तुम लोगों की तरह बेकार नहीं बैठा रहता। सुन कुंडीबा, उम्बर गांव के उत्सव में चलना है कि नहीं? हम सब जाने की सोच रहे हैं। कब है? अगले मंगलवार को। हाँ। मंगलवार मतलब 5 तारीख? नहीं भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे काम है। अरे दो दो बेटे हैं कमाने वाले, तुम्हें क्या काम हो सकता है? आजकल कोई चक्कर चल रहा है कोंडीबा का, कई कई दिन दर्शन ही नहीं होते। लो जी भर के देख लो, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। अरे बाबा खड़े मत रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ। जरा पान जमाते हैं? हाँ। नहीं नहीं, अभी घर जाना है। क्यों? अरे वो चिखलू आ रहा है ना,
जरा मुझे जल्दी है। जी ऐसी भी क्या जल्दी है, और किस बात की जल्दी है? क्यों कुंडेबा? आज 30 तारीख हो गई है, बस अभी 5-6 दिन ही बाकी हैं। चिखलू, ओ चिखलू। अभी आया नहीं दादाजी, पता नहीं क्या बात है। लस्सी पियेंगे दादाजी? अभी बनाई है। थोड़ी देर में, अभी गन्ने का रस पिया है। अच्छा। ओहो, ये मुई चिक्की अंदर गई है, कहीं दूध खुला तो नहीं छोड़ा। तस्वीरें देख रहे हो दादाजी? हाँ, फोटो देख रहा हूँ। माँ आ गया बेटा? माँ भूख लगी है। ए ए, अभी नहीं पीना, चल पहले हाथ मुंह धो ले, चल। चल दादाजी, आज सारी क्लास को सजा मिली। तुम्हें भी? हाँ। शाबाश। आहा, ये गलत काम कर आया है और आप इसे बढ़ावा दे रहे हो। इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो क्या मेरी उम्र में करेगा? चिकलू, मेरी चप्पल लाना। पत्ते ले इस वक्त कहाँ ले जा रहे हो दादाजी? हरी की दुकान में, इन्हें पहुँचा के आता हूँ। ए चिकलू, जरा बकरी को धो लाना। माँ अभी दादाजी के साथ बाहर जा रहा, आके धो लूंगा। अरे अभी बाहर से आ रहे हो, फिर कहाँ जा रहे हो दादाजी? ए चिकलू, अभी नहीं कहीं जाना, अभी आधे घंटे में आते हैं बहू। क्या देख रही हो? ओह, आप? कब से खड़ा हूँ, हमारी तरफ तुम्हारा ध्यान तो जाता ही नहीं। आजकल ये चिखलू दादाजी के साथ बड़े नियम से निकल जाता है, लगता है किसी शरारत पे उतारू है। शरारत? अरे अपने दादा के साथ ही तो जाता है ना, बुरी संगत में तो नहीं है। तुम चिखलू की फिक्र मत करो। फिक्र तो मुझे दादाजी की हो रही है, ये भी कोई उम्र है इधर उधर भटकने की। चिखलू है ना साथ, तुम फिक्र मत करो। हाँ अगर फिक्र ही करनी है तो अपने पतिदेव की करो, बेचारा थका मांदा घर लौटा है। शो शो को ए की मात्रा शे, ल ल को आ की मात्रा ला, र पूर्ण विराम। ओहो, ये बिंदी रह गई। मास्टर जी, वाह, कोंडीबा दशरथ शेलार पहला नंबर। दादाजी अब आप अंगूठा छाप नहीं रहे। सो गया। अरे
मुझे लगता है दादाजी सठिया गए हैं। क्या बात है? मौका मिलते ही चिखलू की किताबें लेकर बैठ जाते हैं, घंटों तस्वीरें ताकते रहते हैं, कभी हंसते भी है। अच्छा सो जाओ। ए, चलो उठो, चांदनी गांव के सब मुर्गों ने बांग दी, चलो बांग दो। चिकलू, आज कौन सी तारीख है मालूम है? 5 नहीं 6। हाँ, आज पूरा महीना हो गया। हाँ दादाजी। आज ऐसा करो, आधी छुट्टी में अपने दोस्तों को घर बुला लाओ। कोई अच्छा बहाना ढूंढना होगा। है? कोई खाने पीने की चीज देंगे तो वो आएंगे। क्यों, वैसे नहीं आएंगे? मतलब कोई खाने पीने की चीज देंगे तो वो पक्का ही आएंगे। हाँ हाँ, लाओ ये लो। क्या बात है कुंडीबा, तुम्हारी कोई लॉटरी खुली है? तुकाराम की तरक्की हो गई। मुबारक हो। तो मनियाडर आ गया? आज आना चाहिए। हाँ अच्छा दादाजी। हाँ? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे कद्दू कहाँ से ले आया? 3 दिन से बचा के रखा है आपके लिए। 10 रुपए लूंगा मैं तो। 5 रुपए दूंगा। हाँ चलो 5 ही सही। ए, देख क्या रहे हो? लो, 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 ले, नहीं खाती है। क्या बात, खाओ खाओ। अमिताभ, जेब में वाले रेवड़ियां रात में खाएंगे, रात में खाएंगे। ये चने अच्छे हैं, चाचा के चाची ने चने चबाए, चने चबाए। ए ए पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे क्या है कोंडीबा, आज हमारा मनी ऑर्डर नहीं आया? अरे आता तो देता नहीं, आगे क्यों निकल जाता? बस तुम भी कोंडीबा कुमार। बताते होते तो और भी मजा आता यार। अरे चलो खाना। अरे मम्मी मम्मी, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। अरे चलो ना, क्या है? अरे क्या, अरे अरे चलो। जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके मग दादाजी बाहर गए हैं, आते ही होंगे, जरा रुको। रुकने को टाइम नहीं है, मनी ऑर्डर लाया हूँ। फिर तुम ही ले लो ना भाभी, अंगूठा ही तो लगाना है। अच्छा हाँ, अंगूठा लाओ। लो। हाँ लो भाभी, तुम ही शाही लगा लो। अच्छा
यहाँ यहाँ पे। अरे रुक जाओ बहू, रुको, अंगूठा मत लगाओ, मैं आया, रुको रुको मैं आया। भाभी पेन। अरे आज क्यों लाया ये मनी ऑर्डर? ओहो क्या मतलब, लो कल नहीं लाया तो कितने उदास थे और आज ले आया तो बड़ी आकर दिखा रहे हो। कोंडी बात तुम्हारा भी जवाब नहीं, चलो लगाओ अंगूठा। अरे बाबा लगाओ ना। नहीं लगाता। कोंडी बात क्यों? कह दिया ना नहीं लगाता। अरे बात ये है कि ये मनी ऑर्डर मैं कल लूंगा। कल? हाँ कल। लेकिन क्यों? कोई ऐसा कानून है कि मनी ऑर्डर आज ही लेना होगा? लेकिन दादाजी बात क्या है? आज का दिन अशुभ है, शनि वक्री है, अगर आज नहीं लिया तो बंबई वापस तो नहीं चला जाएगा ना? क्यों वापस तो नहीं जाएगा, एक दो दिन रुक सकता है, लेकिन मुझे दोबारा इतनी दूर आना पड़ेगा 7 मील साइकिल चलाकर। ओहो तो क्या हुआ, जवान आदमी हो? अरे हाँ तू रही, खास बचा के रखी थी तुम्हारे लिए। कोंडीबा, अरे कोंडीबा, क्या है दाजी? दादा चिखलू अभी स्कूल तो नहीं गया? बस जा ही रहा है। क्यों? ये कल एक चिट्ठी आई है, सोचा उससे पढ़वा लूं। तो चिखलू ही क्यों, मैं बुलाता हूँ बुलाता हूँ। चिखलू आया? चिखलू? हाँ दादाजी। ये चिट्ठी पढ़कर जरा सुना दाजी दादा को। श्री अंगार बाबा प्रसन्न, श्री अंगार बाबा की कृपा हुई तो कल्याण, कोप हुआ तो सर्वनाश। इस पत्र की 7 प्रतियां बनाकर 7 जनों को भेजें 10 दिन के अंदर, भेजने वाले का भला होगा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे। ना भेजने वाला पछताएगा, उसका घर जल कर भस्म होगा, परिवार का विनाश होगा, उसका दिवाला पिट जाएगा, उसे हैजा होगा और वो मर जाएगा। दाजी दादा 7 प्रतियां भेजने वाले को छिपा खजाना मिलेगा, धंधे में बरकत होगी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये क्या बकवास है, मुझे पुत्र रत्न होगा इस उम्र में? ओ दादाजी मैं चला। दादाजी सच है सच है। ओ दादाजी क्या है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। हाँ। ये बैठे बैठाए अजीब मुसीबत आ गई, अब इसकी 7 नकल भेजनी पड़ेंगी। दाजी बा तुम पागल हो क्या, बेवकूफ लोग ही इस तरह के टोटके करते हैं जिन्हें और कोई काम नहीं होता। इस चिट्ठी को तो, अरे अरे कुंडीपा ये क्या कर दिया, राम 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 राम, अब जरूर मुझे हैजा होगा और मैं मर जाऊंगा। फिक्र न कर दाजी बा, अरे यमराज आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। आबाज गुणवंती, मद्रास ठीक दिखाया तुमने। या गुणवंती जा गई, क्या बात है। आप कलकत्ता कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा मास्टर जी। मास्टर जी बाबू दिखाएगा। मेरे ख्याल से विट्ठल जी आप ही दिखाइए। चलिए आइए इधर, उठिए यहाँ तशरीफ लाइए। जा जा। हाँ। चलिए दिखाइए। मास्टर जी मैं बम्बई दिखाता हूँ। और मैं तुम्हें छड़ी दिखाता हूँ। बोलो कलकत्ता कहाँ है? जी भारत देश में। वाह वाह कलकत्ता के भाग खुल गए जो आपने उसे जापान में नहीं बताया। वाह वाह वाह। अच्छा कौन दिखाएगा? मास्टर जी, तुम आओ।
दिखाइए कलकत्ता किधर है। ये रहा। शाबाश 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 शाबाश। चुपचाप अपना अपना बस्ता बंद करो। मेरा डब्बा शोर मत करो। रुकना रुक मेरी लिए। आज छुट्टी के बाद शास्त्र का पाठ होगा। मास्टर जी ढूंढे बात। दादा आप जी? मास्टर जी मैं। मास्टर जी चिखलू की बिल्ली का बच्चा छत पर चढ़ गया। छत पे? पता नहीं कैसे चढ़ गया। उसकी माँ कहीं गायब है। डर लगता है कहीं गिर गिरा न जाए। चिखलू सुना, आधी छुट्टी में चिखलू को जरा घर भेज देंगे। हाँ हाँ कोंडीबा दादा, चिखलू को बेशक ले जाइए पर वापस जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ वो तो भेज दूंगा। ए चिखलू मैं भी चलता हूँ। ए हाँ हाँ चिट्ठी को उठा ले। चलो 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 चलो। चिखलू तू छत पर चढ़ जाएगा ना? हाँ हाँ दादा जी मैं हाँ सब चलो। अमिताभ चलो। ए विठल धक्का मत मारना। चिक्की चिक्की आ चिक्की आ इधर आ इधर आ। अरे आगे ना आगे मत ना। अरे अरे संभल के, अरे गिर जाओगे। अरे अरे संभल के, अरे गिर जाओगे। बच्चे के पीछे कितना बड़ा ड्रामा किया। कोंडीबा मनी ऑर्डर लाया हूँ, आज तो लोगे ना? आज तो जरूर लूंगा। चलो अंगूठा लाओ, तुम पेन लाओ। है? अरे चिखलू कूदो ना, डरता क्या है? चिट्ठी तुमने तो डरा ही दिया। चिखलू जा इसे अंदर छोड़ा। फिर छत पर चढ़ गई तो नहीं उतारूंगा। चिखलू इसे तो दबा के मार डालोगे तुम लोग। जाओ इसे अंदर छोड़ा। कोंडीबा मनी ऑर्डर। कौन डी बा द श र थ शे ला र। वाह कोंडीबा अब तो पढ़ लिख सकते हैं। सिर्फ अपना नाम ही लिखना आता है ना? ठहरो तुम्हारी किताब कहाँ है? हाँ, ये ये लाओ लाओ। दादाजी सुनो, भारत किसानों का देश है, किसान धरती के बेटे हैं। यहाँ किसान जिएगा तो सब कुछ है, किसान बर्बाद हो गया तो सब कुछ बंटाधार समझिए। अरे अच्छा तो इतने दिन हमें यूं ही उल्लू बनाया। तो फिर आप हमेशा अंगूठा क्यों लगाते थे दादाजी? बस मिजाज की बात है दादाजी। दरअसल मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, मैं सचमुच अंगूठा छाप था जैसा कि तुम बच्चों ने मुझे कहा। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे मजाक पर ही तो मैंने पढ़ना लिखना सीखा। आज का नारा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हजी सुनते हो? अरे तुम यहाँ कैसे? कोई खास बात? हाँ हाँ खास बात ही है। ओ, अपने दादाजी पढ़ लिख गए हैं। सच? सच आपकी कसम, मैंने अपने आंखों से देखा। अपनी चिखलू की किताब उठाकर फर्राटे से पढ़ गए।
तूफान मेल की तरह। सच क्या कह रही हो? शाम को खुद ही सुन लेना, अपने चिखलू ने पढ़ाया है उन्हें। मैं तो नजर उतारूंगी चिखलू की। अपने दादाजी की भी नजर उतारो ना। बड़ी उलझन है ये। जना जी आप भेजोगे? भेजोगे सात चिट्ठियां? भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो चेचक हो जाएगा भाई। चेचक नहीं है जा। हाँ वही बात है। वाह 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 वाह, राम 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 राम। आपको भी अंगार बाबा की चिट्ठी मिली है? हाँ ये। मैंने सोचा कि मुझ पर ही वो मेहरबान है। अब क्या करना पड़ेगा दाजी बा? बोलो। अजी मैंने तो अपनी चिट्ठी फाड़ दी। फाड़ दी? हाँ? कोई सर फेरा कुछ भी अनशन लिख भेजे और आप परेशान हो जाओ तो फाड़ दो बेझिझक होके। और अगर हैजा हो गया तो? अरे हुआ तो सबको साथ ही होगा ना। आजीबा तात्या, ये आ गया ऑल इंडिया रेडियो। आओ भाई आओ। और चिट्ठियां तो नहीं लाए? चिट्ठियां नहीं, आज की ताजा खबर सुनी कि नहीं? कोंडीबा की। कोंडीबा की? क्या कह रहे हो तुम? कब कैसे हुआ? ओहो ऐसा कुछ नहीं, गजब की खबर है। अरे क्या है? अरे अरे आज तो पूरे चांदनी गांव में एक ही खबर है, चिकलू की और दादाजी की। हाजी बेटा किसका है? जी बेटा तो हम दोनों का है, लेकिन बाप किसका है? कुंडीबा। अरे आओ आओ दादी। बहू आई? दादाजी जी, दादाजी। बहू तुम्हारे पास सिंगाष्टक चूर्ण है क्या? शायद होगा दाजी दा, अभी देखती हूँ। अच्छा अच्छा। पीलू की दादी का पेट खराब है। कुंडीबा, मैंने जो सुना है वो सच है भाई, सच है। हाँ एक महीने में पढ़ना लिखना आ गया? हाँ अरे डटकर मेहनत की है। कोई मजाक नहीं है, क्या समझे? कुंडीबा क्या ख्याल है, मुझे भी आ सकता है? क्यों नहीं, हिम्मत करो और जुट जाओ, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत से किसान का बच्चा नहीं डरता। भैया कुंडीबा, सोचता हूं मामूली सी लिखा पढ़ी मैं भी सीख ही लूं, क्यों क्या ख्याल है? अरे भाई नेकी और पूछ पूछ। तो क्या चिखलू मुझे सिखा देगा? चिखलू? दाजीदा तुम्हारा पिला भी बड़ा होशियार लड़का है, उसी से क्यों नहीं सीखते? वो मना करता है क्या? हैं? मना करता है? वो क्या मना करेगा, उसके कान खींच कर ना बिठा लूंगा। मुझे ही जरा शर्म लगती है, लेकिन ठीक है, तुम्हारे पोते से तो अच्छा है अपने पोते से सीखूं। हाँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये लीजिए दा। अरे दाजीदा चले भी गए? हिंगाष्टक चूर्ण तो लिया ही नहीं। रख दे वापस बहू, उसे नहीं चाहिए था हिंगाष्टक चूर्ण। कुंडीबा बहू को कहो जरा तिरफला चूर्ण हो तो दे दे, पेट में खुटखुट हो रहा है। ओ अनार। अ अनार। आ आम। अ आम। ई इमली। ई इमली। ई ईख। ई ईख। ऊ उल्लू। उल्लू। दादाजी ये म नहीं भ हुआ। अरे मैंने तो माँ लिखा था, पता नहीं भा कैसे हुआ। अमिताभ मुझे भी सिखा दो ना अक्षरा वाली है। तुम्हें सीखने की क्या पड़ी है? क्यों रे तुम्हारे क्लास में लड़कियां नहीं है क्या? ये क्यों है दादाजी? नहीं ये क्यों है? उल्लू का पता नहीं क्या उल्टा सीधा बक रहा है, हर बार कुछ और ही कहता है। लेकिन नाना जी आप क ख ग ध से क्यों सीख रहे हैं? ये खुद भी तो बड़ी मुश्किल से पास होता है। मास्टर जी कौन है? ऊपर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते सब आ गए? बात क्या भाई, बताओ तो सही क्या बात है, बोलो। एक तो मेरा
अच्छा तुम नहीं बताते, पहले मैं ही बोलता हूँ। हाँ मास्टर जी। बच्चों, अपने चांदनी गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। गांव के बुजुर्गों ने लिखना पढ़ना सीखने की ठान ली है और यह चमत्कार तुम बच्चों की वजह से हुआ। अभी चमत्कार हुआ कहाँ है मास्टर जी, अभी तो कर दिखाना है। अभी तो सिर्फ कोंडीबा ही सीख सके हैं। हाँ मास्टर जी। बात यह है मास्टर जी कि चिकलू की तरह हम सब बच्चे कहाँ सिखा पाएंगे। हम में से कोई उल्टा सीधा सिखा दे तो काफी डेंजर मामला है। देखो, सबसे बड़ा काम तो तुम लोगों ने किया, इच्छा के बीज तुमने बोए, अब आगे की निगरानी करनी है। तो फिर मास्टर जी आप ही? हाँ जरूर, बहुत खुशी से जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। स्कूल के बाद एक घंटे तक उनकी पढ़ाई ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन 6-7 विद्यार्थी तो जरूर होने चाहिए, इतने होंगे? राम राम, क्यों? राम राम, आ जाओ आ जाओ, राम राम। दाजी दा, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। दाजी आप ही संभल के आराम करिए, यहाँ यहाँ बैठिए। अरे भाई, मैं भी आ गया, इधर आ जाइए। राम राम। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। बैठिए अब, बैठिए। Ram 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 Ram